बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। पिछली क्लास में वी हैव स्टडीड अबाउट वेक्टर एडिशन, एडिशन ऑफ वेक्टर, हेड टू टेल रूल, और कुछ क्वेश्चंस उधर के रह गए थे कि उसका जो मुझे याद नहीं है सही से क्वेश्चन भी, लेकिन वो भी इसी लेक्चर के अंदर क्लियर हो जाएंगे, क्योंकि वो वेक्टर की जो कंपोनेंट्स वगैरह हैं उसमें ज़्यादातर आप लोगों को मसले आए थे कि कंपोनेंट्स के अंदर क्या इशू है, वाई कॉस थीटा देयर, वाई साइन थीटा देयर, साइन थीटा समझा दे, कॉस थीटा समझा दे, तो यही बात हुई थी। तो इस दफ़ा हम उसी चीज़ को हम काफ़ी सारी डिटेल में देखने लगे हैं, ठीक है। जितने भी क्वेश्चन होंगे वो इंशाल्लाह आखिरी 10 मिनट के अंदर करेंगे, अभी 10:03 हो रहे हैं, तो 20 मिनट पर आप 10:20 पर आप लोग या 25 मिनट पर हम लोग स्टार्ट कर लेंगे क्वेश्चन, ठीक है। तो थोड़ा सा स्पीड में हम ले चलेंगे आज, क्योंकि वो पुरानी पुरानी चीजें हैं, ठीक है। अच्छा, अभी आप ध्यान दें, क्वेश्चंस वगैरह बिल्कुल एंड पे करने हैं आपने, ठीक है। अगर आप बीच में क्वेश्चंस करते जाएंगे तो फ्लो भी टूट जाएगा और कुछ चीजें रह भी जाती हैं, ठीक है। क्वेश्चंस जो भी हैं आपके माइंड में वो आप पेपर पे अपने साथ कॉपी आपने सामने रखी होगी उसके ऊपर आप लिखते जाइए, ठीक है, या टॉपिक नंबर या स्लाइड नंबर लिखते जाए तो मैं वो करता जाऊंगा उसको। अच्छा, अब देखिए, रेजोल्यूशन ऑफ फोर्सेस, एक क्वेश्चन पूछा था बच्चे ने पहले कि रेजोल्यूशन ऑफ फोर्सेस का क्या मतलब है। अब देखिए, फोर्सेस को रिजॉल्व करना या सॉल्व करने को हम बोलते हैं रेजोल्यूशन ऑफ फोर्सेस या रेजोल्यूशन। अभी हम सिर्फ फोर्सेस की बात कर रहे हैं, वैसे वेक्टर्स की रेजोल्यूशन भी होती है। वेक्टर्स बेसिकली, फोर्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है। अब हम सिर्फ इधर फोर्स इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि रिलेटेड इसी वजह से हमारा चैप्टर जो है रिलेटेड फोर्सेस है ये, ठीक है। तो हम रेजोल्यूशन ऑफ फोर्सेस ही पढ़ेंगे कि स्प्लिटिंग ऑफ फोर्स, अगर हम यहाँ पर फोर्स की अगर बात ना करते, सिंपल किसी भी वेक्टर की बात करते, वेलोसिटी की, एक्सेलरेशन की, तो स्प्लिटिंग ऑफ वेक्टर हो जाता है, एक्सेलरेशन हो जाती, वेलोसिटी हो जाती। अभी हम फोर्स की बात कर रहे हैं, तो हम स्प्लिट करना है हमने फोर्स को कितने पार्ट्स में, दो पार्ट्स में, और दोनों के दोनों पार्ट्स आपस में म्यूचुअली परपेंडिकुलर होंगे। म्यूचुअली का मतलब कि आपस में, ठीक है। जिस तरह फेसबुक पे आपको पता है कि म्यूचुअल फ्रेंड्स वगैरह आप देखते हैं, व्हाट इज म्यूचुअल फ्रेंड, कि भाई मुश्तरका जो फ्रेंड्स होते हैं, ठीक है। इसी तरह उन दोनों को हम एक ही फोर्स के ऊपर दो के दो हमने उसके जो कंपोनेंट्स हैं परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स, वो हमने स्प्लिट कर देने उसको, ठीक है। उसी को हम रेजोल्यूशन ऑफ फोर्स कहते हैं। ये सिंपल एक उसकी डेफिनेशन है कि मतलब एक ही फोर्स को हमने दो म्यूचुअली परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स के अंदर हमने उसको तोड़ देना है, उसको हम कह देते हैं रेजोल्यूशन ऑफ फोर्सेस। कैसे करते हैं वो हम नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं, ठीक है। अब इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, जब अगर हमने इसको रेजोल्यूशन करनी है या इसको स्प्लिट करना है, उसको हम रेजोल्यूशन ऑफ फोर्सेस बोलते हैं। और उसके जो दो पार्ट्स बनते हैं वो दोनों आपस में परपेंडिकुलर होते हैं। ये सिंपल इस स्लाइड में ये आपको बताया गया, उसके अंदर कोई और मुश्किल बात नहीं है, ठीक है। ये सिंपल आपकी बुक के अंदर भी लिखा हुआ है, इंशाल्लाह ये आपको पीडीएफ फाइल में मिल भी जाएगा। अच्छा, अब देखें, फॉर एग्जाम्पल ये मेरे पास एक प्लेन है। अब ऊपर वाली जो इंग्लिश है उसके ऊपर बेशक ध्यान मत दें, नीचे जो मैं आपको अभी समझा रहा हूँ उस पर देखें। देखें, इधर से मैं पेन ऑन कर लेता हूँ, ठीक है। एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस, ठीक है। ये आपका होता है ओरिजिन या जीरो पॉइंट, ठीक है। जिस तरह अगर आप ग्राफ ड्रा करते हैं तो राइट साइड पे आप जाएंगे तो पॉजिटिव होता है, अप साइड पे जाए तब भी पॉजिटिव होता है, लेकिन डाउन साइड जाएंगे तो नेगेटिव होगा, राइट साइड पे जाएंगे, लेफ्ट साइड पे जाएंगे सॉरी, तो भी नेगेटिव होगा। हमने क्या किया कि सिर्फ ये वाला हिस्सा लिया हुआ, ये देख लें, ठीक है। हमने सिर्फ और सिर्फ ये वाली साइड ली, बाकी नहीं लिया। तो ये आपके पास y एक्सिस है और ये आपके पास x एक्सिस है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, आई हैव अ फोर्स, विच इज कॉल्ड f। अब मेरे पास एक फोर्स है जिसका नाम मैंने f दे दिया, और इसको मैंने जो उसका हेड है उसको मैंने नाम दे दिया a का, ठीक है। उसका कोई ना कोई एंगल होगा, मैं एंगल नहीं बता रहा अभी, ठीक है। एंगल मतलब जनरलाइज हमने बात की है, कोई भी एंगल हो सकता है, 30, 45, 60, 90 से कम कम और 0 से ज़्यादा, ठीक है। अब देखें, ये वेक्टर है हमारे पास, अब इसके हमने कंपोनेंट्स इसके बनाने हैं, ठीक है। अब इसके देखें दो कंपोनेंट्स बन सकते हैं इजीली, इसके दो ही कंपोनेंट्स हमने बनाने हैं, लेकिन दोनों के दोनों क्या होने चाहिए, परपेंडिकुलर होने चाहिए। देखें, अगर मैं इसकी प्रोजेक्शन ड्रा करूँ इसके हेड से लेकर इसके एक्स एक्सिस तक,
ठीक है, एक ये प्रोजेक्शन ड्रा होगी और एक इसकी प्रोजेक्शन इसके हेड से लेकर इसकी वाई एक्सिस पे, ठीक है। अब ये देखिए ये दोनों के दोनों 90 डिग्री एंगल बन रहा है, ऐसी बात है। अब ये देखिए 90 डिग्री इसका क्या मतलब है कि ये दिस इज अ परपेंडिकुलर, 90 डिग्री इसका मतलब परपेंडिकुलर। अब ये देखिए दोनों के दोनों, अब इसकी हमने इसको दो हिस्सों में तोड़ दिया या तकसीम। अब देखें ये फोर्स अगर हमें फॉर एग्जांपल नहीं पता, इसका सिर्फ हमें एम्पलीट्यूड बताया या कुछ भी बताया, तो हम इसके इन दो वैल्यूज के जरिए से उसकी फोर्स की रेजोल्यूशन कर सकते हैं, उनको फोर्स की हम वैल्यूज तोड़ के लिख सकते हैं, उसकी कॉस थीटा की वैल्यू हमें पता चल जाएगी, उसकी साइन थीटा की वैल्यू पता चल जाएगी और हमें उसके वेक्टर की मतलब और डिटेल के अंदर हमें उसकी नॉलेज आ जाएगी, ठीक है। अब देखें ये देखें, अब इसका एक मैंने प्रोजेक्शन ड्रा किया फ्रॉम पॉइंट एक्स टू पॉइंट ए, इस पॉइंट को मैं कह देता हूँ बी, ठीक है। अब ये वाला जो प्रोजेक्शन है ये देखिए ये वाई जो वाई एक्सिस के अराउंड है, ठीक है। अब देखिए वाई एक्सिस ऊपर की तरफ है, ये भी ऊपर की तरफ है, तो यानी कि ये वाई कंपोनेंट ऑफ फोर्स है, फोर्स ऑफ वाई कंपोनेंट, एफ के नीचे छोटा सा वाई लिखा हुआ है, इसका ये मतलब है कि ये दैट इज अ वाई कंपोनेंट ऑफ अ फोर्स। अब देखिए कंपोनेंट दो ही होंगे, एक एक्स कंपोनेंट होगा एक वाई कंपोनेंट होगा, ठीक है बच्चे। अब देखें अभी हमने इसका वाई कंपोनेंट लिया तो एक्स कंपोनेंट कैसे आएगा, जिस तरह मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था आपको कि ये ए से लेकर यहाँ तक है, या फिर मैं उसी को नीचे एज इट इज ले आऊँ तो वो भी मसला नहीं है। अब देखिए ये येलो कलर की जो लाइन आपको नजर आ रही है ओ से लेकर बी तक, तो ये एफ ऑफ एक्स है, यानी कि फोर्स है लेकिन कौन सा, एक्स कंपोनेंट। इसका ये मतलब है कि अब देखिए इसके दो कंपोनेंट्स हैं, होना ये चाहिए कि दोनों को मैं ऐड कर दूं तो ये वाली फोर्स बन जानी चाहिए, यानी कि ओ ए यानी कि फोर्स इज इक्वल टू ओ बी प्लस ओ ए, यहाँ पर लिखा हुआ है ए बी प्लस ओ बी, ठीक है। इन दोनों के कंपोनेंट्स को अगर हम ऐड कर दें, ठीक है, दोनों कंपोनेंट्स को अगर हम ऐड कर दें तो हमारे पास रिजल्टेंट फोर्स आ जानी चाहिए, ठीक है। ये देखिए बेसिकली हेड टू टेल रूल ही बना हुआ है, अगर हम इसके रेजोल्यूशन हम फोर्स निकालते हैं तो हेड टू टेल रूल हमने रिवर्स कर लिया। अब हमारे पास एक फोर्स थी, हमने उसको क्या कर दिया, उसके कंपोनेंट्स के अंदर उसको तोड़ दिया, तो यहाँ से इसकी टेल के साथ टेल लगाकर हमने ये बनाया, इसकी हेड के साथ टेल लगाई, ये हेड टू टेल रूल है और ये इसका रिजल्टेंट है बेसिकली, ठीक है। अब देखें यही चीज ऊपर जो जितनी भी चीज मैंने समझाई है वो यहाँ पर लिखी हुई है कि ड्रॉ परपेंडिकुलर ए बी, अब देखें ए बी इसका परपेंडिकुलर है तो ये वाई एक्सिस पे हो जाएगा और ओ बी ये दोनों के दोनों इसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं इसके वाई एक्सिस के और एफ एक्स एक्सिस के, ठीक है। अब चूंकि ये दोनों के दोनों परपेंडिकुलर है, एफ वाई एंड एफ एक्स, इन दोनों के बीच में 90 डिग्री का एंगल है, ये देखें ये दोनों परपेंडिकुलर, ठीक है, ये दोनों इसके परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स है, तो दीज आर कॉल्ड, दीज फोर्सेस आर रेजोल्यूशन ऑफ फोर्सेस एंड ये वो भी और ये इसी के परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स हैं, और हेंस यहां पर अगर मैं बात करूं एफ एक्स इसमें से कौन सा है, जो एक्स जो एक्स एक्सिस का जो इसका कंपोनेंट है और जो वाई एक्सिस का कंपोनेंट है उसको मैं एफ वाई कह दूंगा, ठीक है। इतनी कोई इसके अंदर मुश्किल बात नहीं है, हम इसको थोड़ा सा फर्दर नेक्स्ट स्लाइड पर लेकर जाते हैं, बच्चे क्वेश्चन एंड पे मैं करूंगा, ठीक है। ये छोटी सी आपका साइड ब्लॉक्स बने हुए हैं लेफ्ट साइड पे आपके उसी चैप्टर नंबर 3 के गालमन जो फोर्सेस के हैं, इसमें आप देख लें सिंपल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज आपको पता होनी चाहिए कि साइन थीटा इज परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज, कॉस थीटा इज बेस ओवर हाइपोटेन्यूज, और टैन थीटा परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज। या फिर अगर इसको याद करना है आपको, बहुत सारे टीचर्स ने बताया भी होगा, मैं भी बता देता हूँ, देखें एस पी एच सी मतलब कॉस का सी बेस का बी एच हाइपोटेन्यूज का एच, यानी कि ये हमने सिंपल एक एक रखने हैं, तो ये देखें ये बनता है सम पीपल हैव कर्ली ब्राउन हेयर थ्रू प्रॉपर ब्रशिंग, ये मैं इधर लिख देता हूँ अगर लिखा जाता है, ठीक है। अब ये देखें अब ये जो एस है पहले वाला ये आपका हो जाएगा ये देखें साइन
इज इक्वल टू परपेंडिकुलर ओवर हाफ का हाइपोटेन्यूज, सी का कॉस, बी से बेस, एच से हाइपोटेन्यूज, तीसरा थ्रू का टी, टी इज टैन, प्रॉपर का पी, पी का मतलब परपेंडिकुलर, डी ब्रशिंग, ब्रशिंग का मतलब बेस। ठीक है, ये मैं ऊपर छोटा सा लिख देता हूँ ऐसे करके, नजर तो नहीं आ रहा होगा बाद। अच्छा, ये चीज होगी। अब देखें राइट एंगल ट्राइंगल के अंदर आपको पता ही है कि जहां पर राइट एंगल बन रहा होता है, ठीक है, ये मैं अगर यहाँ पर पेन ले लूँ, यहाँ पर राइट एंगल बन रहा है, इसके बिल्कुल ऑपोजिट उसका हाइपोटेन्यूज होता है, ठीक है, उसके ऑपोजिट हाइपोटेन्यूज। ये हाइपोटेन्यूज स्पॉट करने के लिए बहुत ज्यादा इजी काम यही है कि उसका जो 90 डिग्री का एंगल है उसके बिल्कुल ऑपोजिट हाइपोटेन्यूज है। अब बेस कौन सी होती है? अब बेस ये भी हो सकती है, ये भी हो सकती है, लेकिन हमें पता है कि हाइपोटेन्यूज और बेस के बीच में जो एंगल होता है वो हमें पता होता है। अगर यहाँ पर एंगल है तो बेस ये है, अगर यहाँ पर एंगल होता है तो बेस ये होती है। ठीक है, ये बेसिकली सिक्स क्लास में या सेवन क्लास में मैं स्टूडेंट्स को जो पढ़ाता हूँ तो उनकी क्लास के मैथ्स के अंदर ये चीज़ लिखी होती है, इतनी समझाने की जरूरत नहीं। ठीक है, और ये सम रेशोज हैं, अगर साइन जीरो करेंगे तो जीरो आएगा, कॉस जीरो करेंगे वन आएगा, टैन जीरो करेंगे जीरो आएगा। ये बेसिकली कैलकुलेटर्स हैं, कैलकुलेटर से वैल्यूज डाली हुई है। ठीक है, इतनी कोई इसमें मुश्किल बात नहीं है। अभी हम थोड़ा स्पीड में चल रहे हैं, अभी मैं इसके बाद क्वेश्चन दे देता हूँ। मेरे ख्याल से ये लास्ट स्लाइड है हमारे पास। ठीक है, इसके बाद हम क्वेश्चन आंसर करेंगे, क्योंकि मुझे पता है कि इसमें बहुत सारी क्वेश्चनिंग बनती है और बहुत सारी इसके अंदर कन्फ्यूजन रह जाती है। ठीक है, हम अब कोशिश होगी कि इस क्लास में ज़्यादा से ज़्यादा टाइम मिले। अभी हमारी क्लास को सिर्फ 15 मिनट हुए हैं, जिसमें से मुझे पढ़ाते हुए टोटल 10 मिनट हुए हैं। अब देखें, अब मैग्नीट्यूड ऑफ एफ एफ एक्स और एफ और वाई कैसे हम फाइंड करेंगे। ठीक है, अभी हमने ऊपर पढ़ी थी यहाँ पर इस वाली स्लाइड के अंदर कि साइन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज, का कॉस क्या होता है, बेस ओवर हाइपोटेन्यूज, तो टैन परपेंडिकुलर ओवर बेस। अब साइन थीटा परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज, अब इस वाली जो ड्राइंग आपकी, सॉरी ये देखें, अब इसके अंदर 90 का एंगल ये बन रहा है, इसके अगेंस्ट ये हाइपोटेन्यूज। ठीक है, अब एंगल ये बन रहा है तो बेस ये हो गई, क्योंकि हाइपोटेन्यूज और के और दूसरी लाइन के बीच में जो भी एंगल हमें शो होगा वो बेस होगी, और उसके बाकी जो बच गया वो परपेंडिकुलर है। ठीक है, इसका क्या मतलब, ये हाइपोटेन्यूज होगी, ये बेस होगी और ये परपेंडिकुलर होगी। अब हमने कॉस थीटा की वैल्यू फाइंड करनी है, कॉस थीटा इज व्हाट। अब देखिए यहाँ से ऊपर आप देखें कर्ली ब्राउन हेयर, कॉस थीटा इज बेस ओवर हाइपोटेन्यूज, बेस ओवर हाइपोटेन्यूज। तो अब यहीं पर देखें बेस क्या है, एफ ऑफ एक्स, एफ ऑफ एक्स और हाइपोटेन्यूज क्या है, एफ। अब देखें एफ ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय एफ, ये हो गया। अब एफ एक्स की क्या वैल्यू है, ओबी, ओबी इसके क्या कहते हैं, लाइन सेगमेंट है या एरो सेगमेंट है। ठीक है, ओबी ओवर ओए, तो ये ओबी यहां पर है, ओए एज इट इज हमने लिख दिया, ओबी को हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं एफ एक्स के साथ, ओए को हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं एफ के साथ। ठीक है, इज इक्वल टू कॉस ऑफ थीटा। अब ये चीज पूरी की पूरी हम इसको कॉस थीटा बोल देते हैं। ठीक है, तो मैं इसको खत्म कर देता हूँ। मैंने सिर्फ ये आपको मतलब आप लोगों को समझाने के लिए ये चीज लिखी हुई है बुक के अंदर कि हमने इस इन वरी लैंड सेगमेंट्स की बात की हुई है। ठीक है, अब एफ एफ एक्स यहाँ पर गिवन है, नीचे एफ डिवीजन में है। ठीक है, हमें एफ एफ एक्स की वैल्यू नहीं पता, हमें सिर्फ एफ की वैल्यू पता है, कॉस ऑफ थीटा की वैल्यू पता है। क्यों? क्योंकि हमें थीटा की वैल्यू यहाँ पर गिवन होगी, तो कॉस ऑफ थीटा, थीटा की कोई भी वैल्यू आप कैलकुलेटर पे एंटर करेंगे तो वो आपको आंसर दे देगा। ठीक है, हमें सिर्फ क्या वैल्यू नहीं पता, एफ ऑफ एक्स की वैल्यू नहीं पता। अब उसके साथ ये एफ की वैल्यू जो हमें पता है वो इधर डिवाइड हो रही है, हमने क्या किया, उसको उठाया इधर जाके उसको मल्टीप्लाई में कर दिया। अब देखें एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू कॉस थीटा के साथ एफ मल्टीप्लाई हो गया, तो ये आपके पास एक इक्वेशन बन जाती है, यानी कि एफ ऑफ एक्स इज द कंपोनेंट ऑफ कॉस थीटा। सिमिलरली अब अगर हम साइन थीटा की बात करते हैं, साइन थीटा की ये देखिए सबसे ऊपर लिखा हुआ है सम पीपल हैव, सम फॉर साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर, नीचे हाइपोटेन्यूज। ठीक है, यानी कि परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज, यहीं से देखते हुए अगर आप यहां पर देखें परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज, यानी कि एफ ऑफ वाई डिवाइडेड बाई एफ। ठीक है, एफ ऑफ वाई डिवाइडेड बाई एफ विच इज साइन थीटा। अगर हमने इसको ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना है तो एफ ऑफ वाई क्या चीज बनती है, एफ वाई ये, दिस इज बी ए या ए बी, कोई भी आप लाइन इसको कर ले, बी ए ए बी, यहाँ पर इसने बी ए लिखा हुआ, आप ए बी लिख लें बेशक। ठीक है,
और हाइपोटेन्यूज इज ओ ए एज इट इज, वो ओ ए आ गया। ठीक है, ये सिर्फ समझाने के लिए है कि भाई कौन सी लाइन यूज हो रही है। अब देखें एफ ऑफ वाई सिमिलरली वैसे ही हो गया काम कि एफ ऑफ वाई की वैल्यू हमें नहीं पता, एफ की वैल्यू हमें गिवन है क्योंकि एफ हमें शुरू में ही पता था कि देर इज अ फोर्स विद सम एंगल, ये हमें चीजें गिवन थी, बाकी हमें चीजें गिवन नहीं थी। तो एफ की वैल्यू हमें गिवन है, तो हमने क्या किया कि इस वाले एफ को उठाकर इस साइड पर भेज दिया। ठीक है, तो क्या हो गया कि एफ वाई इस साइड पर आइसोलेट हो गया, एफ वाई इधर आ गया, साइन थीटा के साथ एफ मल्टीप्लाई हो गया। ठीक है, एंड दीज आर द कंपोनेंट्स एफ ऑफ एक्स, ये वाली दो एग्जांपल्स हैं, ये वाली अगर आप देखें इसके ऊपर मैं ब्लॉक ना देता हूँ थोड़ी देर के लिए ताकि आप लोगों को थोड़ी सी समझ आ जाए, क्लियर। ये वाला और ये वाला दूसरा ब्लॉक ना देता हूं। ठीक है बच्चे, अब ये वाली जो दो कंपोनेंट्स है ये इसके परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स का आंसर है, या फिर उसको अगर हमने रिजॉल्व करना है तो किसी भी फोर्स को अगर हमने रिजॉल्व करना है तो हमें इतने लंबी चौड़ी कैलकुलेशन हर दफा करने की जरूरत नहीं है क्योंकि हमने वन टाइम कर ली है और हर फोर्स के ऊपर या हर वेक्टर के ऊपर यही चीज अप्लाई होती है। ठीक है, अगर फॉर एग्जाम्पल मैं कोई और चीज बना लेता हूँ यहाँ पर, फॉर एग्जाम्पल ये दूसरी लाइन बन गई। ठीक है, एक्स एंड वाई आ गए यहाँ पर और यहीं पर मैं क्या कर देता हूँ कि एक फोर्स ऊपर की वजह यहाँ पर लगा देता हूँ ऐसे करके। ठीक है, अब इसके परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स कैसे होंगे, वैसे ही होंगे कि यहाँ से अगर मैं इसको, ये इसका वाई कंपोनेंट होगा, ये इसका एक्स कंपोनेंट होगा, एक्स कंपोनेंट आपका यूँ हो जाएगा, या इसको आप बॉटम से ले जाए, एक्स कंपोनेंट विल बी दिस। ठीक है, तो ये देखिए ये 90 का एंगल बन गया। नाउ दिस इज एफ ऑफ वाई बॉटम वाला एफ ऑफ एक्स और ये जो फोर्स मैंने बनाई थी ये एफ हो जाएगी। ठीक है, यानी कि किसी भी शेप में होगा तो कंपोनेंट्स बनाने वैसे ही होंगे। ठीक है, कंपोनेंट्स बनाने से ये फायदा हो जाएगा कि हमें उसकी एक्स की वैल्यू और वाई की वैल्यू हमें पता चल जाएगी अगर फॉर एग्जांपल हमें उसके कोई ना कोई वेक्टर्स वगैरह की आंसर्स वगैरह निकालने या डायरेक्शन स्केल निकालने या कॉस थीटा की वैल्यू निकालनी है, साइन थीटा की वैल्यू निकालनी है, कुछ भी निकालना। ठीक है, अब इसमें एफ वाई की वैल्यू सेम यही होगी, ये वाली एफ ऑफ साइन थीटा, एफ वाई की वैल्यू क्या हो जाएगी, दैट इज अ कंपोनेंट ऑफ साइन थीटा, और एफ एक्स की वैल्यू एफ कॉस थीटा, यानी कि एफ की वैल्यू हमें गिवन है तो एफ मल्टीप्लाई बाय कॉस ऑफ थीटा। ठीक है, अब मेरे से जो क्वेश्चन आपने पूछने हैं वो करते जाइए, मेरे ख्याल से काफी सारे क्वेश्चन जमा हो चुके हैं पहले ही। वी कैन ऑल्सो फाइंड एफ एक्स और एफ वाई बाई यूजिंग टैन। अच्छा देखें, एफ एक्स ओवर एफ वाई करेंगे ना तो आपके पास टैन की वैल्यू आ जाएगी, सॉरी एफ वाई और एफ एक्स करेंगे तब हमारे पास टैन की वैल्यू आएगी। तो टैन से भी आप वैल्यू उस टाइम फाइंड कर सकते हैं जब आपके पास एफ एक्स या एफ वाई की एक वैल्यू, इसको ये एक वैल्यू आपको गिवन होगी। ठीक है, इसके अलावा आप फाइंड नहीं कर सकते क्योंकि ना आपके पास एफ एक्स की वैल्यू गिवन है ना आपके पास एफ वाई की वैल्यू गिवन है, इन दोनों में से आप वैल्यू कोई एक पहले फाइंड करेंगे फिर उसके बाद टैन से आप फाइंड कर सकते हैं, अदरवाइज कोई चांस नहीं है। अच्छा, परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स, अब देखें अब ये देखें मेरे पास इसने एग्जांपल में बताया कि एक फोर्स है, अब आपने इसको कंपोनेंट्स के अंदर तोड़ना है, इसको यानी कि इसके हिस्से कर देने हैं, ऐसे हिस्से करने हैं कि उसकी एक्स कंपोनेंट की वैल्यू मुझे पता चल जाए, वाई कंपोनेंट की वैल्यू पता चल जाए। फॉर एग्जांपल कोई भी एक चीज, ये मतलब फोर्स की मुझे पोजीशन पता चल जाए, बेसिकली पोजीशन ही है इसकी कि इसकी पोजीशन क्या है मैप के अंदर, इसकी पोजीशन क्या है, इसकी डायरेक्शन, डायरेक्शन तो हमें पता चल गई कि ये वाई और एक्स के बीच में है इसकी डायरेक्शन, लेकिन इसकी पोजीशन क्या है, एक्स के एतबार से क्या पोजीशन है, वाई के एतबार से क्या पोजीशन है, एक्स के एतबार से उसकी क्या एंगल वगैरह बन रहा है, उसकी क्या उसकी एम्पलीट्यूड बन रहा है, यानी कि उसका जो वैल्यू है वो क्या बन रही है, इसी तरह वाई के हिसाब से भी उसकी क्या वैल्यू है, क्या डायरेक्शन और क्या पोजीशन है। ठीक है, अब देखें यहाँ पर कोने से अगर मैं इसकी प्रोजेक्शन ड्रा करता हूँ बॉटम साइड पे,
यहाँ से मैं अगर एनोटेशन स्टार्ट करता हूँ तो यहाँ से इसकी बॉटम पे ये इसकी एक कंपोनेंट ये बन जाता है, एक इसकी यहाँ से लेके यहाँ तक कंपोनेंट ये बन जाता है, ठीक है। अब ये दो कंपोनेंट्स इसके बन जाते हैं, तीसरा चौथा कंपोनेंट आप देख लें कुछ भी कहीं से भी इसका नहीं बन रहा, ठीक है। इसकी ये बेसिकली प्रोजेक्शन है। प्रोजेक्शन का क्या मतलब कि यहाँ से लेके मैंने यहाँ तक इसकी एक प्रोजेक्शन ड्रा की और यहाँ से लेके यहाँ तक प्रोजेक्शन ड्रा की। बेसिकली ये इसकी मैं अगर एग्जाम्पल आपको देना चाहूँ ये दे सकता हूँ कि यहाँ पर फॉर एग्जाम्पल एक एरोप्लेन है, ए पे एक एरोप्लेन अगर मैं बना सकूँ बिल्कुल सादा सा बनाऊंगा, ठीक है। यहाँ पर एक एरोप्लेन है, अब इसकी हाइट कितनी है यानी कि हाइट और इसकी एयरपोर्ट से कितने फासले पे, ठीक है। अब मुझे पता है कि एयरपोर्ट से इतनी दूर चला जा चुका है लेकिन ना मुझे इसकी हाइट पता है ना मुझे इसकी डिस्टेंस पता है फ्रॉम एयरपोर्ट, तो वो निकालने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, इसी को स्प्लिट करना पड़ेगा दो हिस्सों में, ठीक है। एक एक इसका कंपोनेंट है हाइट का और एक इसका कंपोनेंट है डिस्टेंस फ्रॉम इट्स बेस या एयरपोर्ट जो भी आप इसको कह लें, ठीक है। जो आपका कंपोनेंट है हाइट का दैट इज कॉल्ड एफ ऑफ वाई, क्यों, एफ ऑफ वाई इज परपेंडिकुलर यानी कि बिल्कुल वर्टिकल, और वर्टिकल आपका हाइट होता है और हाइट भी आपकी वाई एक्सिस के ऊपर होती है और बॉटम पे एक्स एक्सिस है तो वो एक्स कंपोनेंट ऑफ दैट वेक्टर हो जाएगा। अभी हम फोर्स की बात कर रहे तो वाई कंपोनेंट ऑफ फोर्स हो जाएगा, और अगर हम डिस्प्लेसमेंट की बात करें तो अगर डी हो जाता तो एफ ऑफ वाई की जगह डी ऑफ वाई होता और डी ऑफ एक्स होता, ठीक है। ये थोड़ा सा एडवांस है, बस हमने सिर्फ अभी तक फोर्स के बारे में ही पढ़ना है जी। इसके अलावा कोई और क्वेश्चन है तो मैसे करें, फजूल क्वेश्चन की कोई इजाज़त नहीं है, ठीक है। सर तैयब के पास जाता है ये सारा का सारा चैट, ये आपको नज़र नहीं आ रहा लेकिन उनको नज़र आता है। परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स हो गए, इसके अलावा व्हाई वी यूज पाइथागोरस थ्योरम, वजह पाइथागोरस थ्योरम यूज ही हम इस वजह से करते हैं कि ताकि हमारे पास अगर एक वैल्यू गिवन है पर ये देख लें राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर अगर हमारे पास एक दो वैल्यूज गिवन है तो तीसरी वैल्यू हमने निकालनी है तो कैसे निकालेंगे। सिंपल सी बात है ना, हमने मैथ्स के अंदर भी पढ़ा हुआ है कि अगर हमारे पास दो वैल्यूज गिवन है थर्ड वैल्यू अगर हमने फाइंड करनी है तो कैसे फाइंड करेंगे, तो उसके लिए हमें पाइथागोरस थ्योरम लगाना पड़ता है, लेकिन हम यहाँ पर नहीं लगा रहे पाइथागोरस थ्योरम। हमें बेसिकली बेस की वैल्यू ऐसी फाइंड हो रही है, परपेंडिकुलर की वैल्यू भी वैसी फाइंड हो रही है। कैसे फाइंड हो रही है, परपेंडिकुलर इज व्हाट, एफ ऑफ वाई, एफ ऑफ वाई इज एफ साइन थीटा, थीटा आपके पास गिवन है, एफ भी गिवन है, सिंपल आप कैलकुलेटर पे एंटर करेंगे आ जाएगा। इसी तरह इसकी जो बेस है दैट इज एफ कॉस थीटा, कॉस की थीटा आपको वैल्यू गिवन है, एफ की वैल्यू गिवन है, मल्टीप्लाई करेंगे कैलकुलेटर पे लिखेंगे ऑटोमेटिकली आ जाएगा, हमें लगाने की जरूरत नहीं है। अच्छा ये पूरा मैंने लेक्चर दे दिया कि हाउ कैन अ फोर्स बी रिजॉल्व्ड इनटू इट्स रेक्टेंगुलर कंपोनेंट, यही पूरा लेक्चर था मेरा कि हमने कैसे रिजॉल्व किया। एक फोर्स है उसको हमने प्रोजेक्शन ली, पहले एक हाइट की प्रोजेक्शन होती है और एक उसकी बेस की बेस लाइन की प्रोजेक्शन होती है, अभी मैंने थोड़ी देर पहले ये बताया था आपको। ये फोर्स है इसकी प्रोजेक्शन है कौन सी, एक वाई प्रोजेक्शन है, एक एक्स यानी कि बेस की प्रोजेक्शन है, तो दीज आर द कंपोनेंट्स ऑफ फोर्स और यही इसी के रेजोल्यूशन ऑफ फोर्सेस है, मतलब ये इन्हीं को हम रेजोल्यूशन ऑफ फोर्सेस कहते हैं और दीज शुड बी परपेंडिकुलर टू ईच अदर। अब ये दोनों अगर परपेंडिकुलर नहीं है तो आप लोगों ने काम गलत किया हुआ है, दीज शुड बी परपेंडिकुलर यानी कि इन दोनों का एंगल आपस में 90 डिग्रीज होना लाजमी है। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ साइन एंड कॉस, ओके ये देखें एफ वाई अगर हमने निकालनी है वैल्यू, ठीक है। अब यहाँ पर आप गौर से देखें एफ वाई यहाँ पर मतलब परपेंडिकुलर की वैल्यू मैंने निकालनी, परपेंडिकुलर अब हमारे पास कौन कौन सी जगह पे, एक हमारे पास टेन थीटा में परपेंडिकुलर आ रहा है और एक हमारे पास साइन थीटा में परपेंडिकुलर आ रहा है। अब देखें अगर मैं टेन थीटा की बात करूँ तो परपेंडिकुलर मुझे फाइंड करना है लेकिन बेस भी फाइंड करना है, बेस मेरे पास नहीं है तो मैं टेन थीटा नहीं लगा सकता, साइन थीटा लगाऊंगा, क्यों, क्योंकि हाइपोटेन्यूज के मतलब ये फोर्स है, हाइपोटेन्यूज यहाँ पर फोर्स है, ठीक है। फोर्स की वैल्यू मुझे गिवन है, थीटा की वैल्यू मुझे गिवन है, जब दो वैल्यूज गिवन है तो थर्ड वैल्यू इजीली फाइंड हो सकती है, दैट इज व्हाई वी हैव यूज्ड एफएक्स यानी कि अगर एफ वाई की बात करता हूं तो यहां पर लगेगा साइन ऑफ थीटा इज परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज, तो परपेंडिकुलर क्या हो गया इसमें एफ ऑफ वाई, हाइपोटेन्यूज इसमें आ गया एफ,
ठीक है, एफ ऑफ वाई डिवाइडेड बाय एफ इज इक्वल टू साइन ऑफ थीटा, तो एफ की वैल्यू हमें गिवन है, तो एफ जो मैंने क्या कर दिया यहाँ पर डिवीजन में था उधर जाके मल्टीप्लीकेशन में आ गया एंड दैट्स द इक्वेशन, ठीक है। अच्छा I can't understand 4.2, 4.3 and 4.4. 4.2 की तरह। कहाँ पर है ये मुझे बता दो जरा। मेरे पास 4.3 एंड 4.4 है, वो मैंने भी आपको समझा दिया। How to learn trigonometric ratios? याद करनी पड़ेगी। एक और तरीका है इसका शॉर्ट, लेकिन वो मैं आपको बता देता हूँ। एक मिनट, उसका मैं टेबल कहीं से निकालता हूँ। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोस का हाँ ये आ गया। अब देखें ये वाला जो रेशोज हैं, ये रेशोज हैं, ठीक है, इनको याद करने का भी एक आसान सा तरीका, ये तो वैल्यूज हैं, ये कैलकुलेटर पे आप एंटर करेंगे तो इजीली ये वैल्यूज आ जाएंगी, लेकिन इसका एक और टेबल भी होता है कि साइन 0 होता है, 31 बाय 2 होता है 1/2, 45 आपका होता है 1/√2, और ये √3/2 होता है और ये 1 होता है, ठीक है। इसी से रिवर्स आपका cos थीटा होता है, यहाँ पर 1 है यहाँ पर 1 आएगा, ठीक है, यहाँ पर √3/2 था यहाँ पर √3/2 आ रहा है, 45 का सेम एज इट इज आएगा 1/√2, यहाँ पर 1/2 था यहाँ पर 1/2 और ये इसका, और tan थीटा हमेशा आपका sin डिवाइडेड बाय cos होता है। यही तो मैं भी पूछ रहा हूँ 4.2 कहाँ है, 4.2 कोई स्टूडेंट कह रहे हैं सर 4.2 नहीं समझ आई। Why we take fx as a base and fy as a perpendicular, ठीक है, ये भी क्वेश्चन आपका अच्छा है। अब देखें, सबसे पहले तो मैंने आपको बताया कि हमने सबसे पहले हाइपोटेन्यूज को देखना है कि व्हाट इज हाइपोटेन्यूज। हाइपोटेन्यूज वो होता है कि जो आपका 90 डिग्री का एंगल आपको यहाँ पर नजर आ रहा है क्लियरली, यहाँ पर बॉक्स बना हुआ है, दैट इज द परपेंडिकुलर साइन और दैट इज द 90 डिग्री एंगल, ठीक है, उसके बिल्कुल ऑपोजिट आप देख लें यहाँ पर देख लें तो वो हाइपोटेन्यूज होता है, ठीक है, दैट इज हाइपोटेन्यूज। अब देखें, अब हमारे पास एक ट्राइंगल के अंदर ना उस 90 डिग्री को छोड़ के दूसरा एक और एंगल भी हमें गिवन होता है लाजमी, वो हमें एंगल अगर गिवन ना हुआ तो हम बाकी दो एंगल नहीं निकाल सकते, क्योंकि एंगल का भी यही होता है कि इसमें तीनों एंगल अगर ऐड कर दिया जाए तो आंसर आता है 180। राइट एंगल ट्राइंगल या किसी भी ट्राइंगल को अगर हम देखें तो उसके इंटरनल एंगल्स को अगर हम ऐड करते हैं तो उसकी वैल्यू आती है 180। अब मेरे पास एक वैल्यू पता है 90 डिग्री, ठीक है, अगर मुझे दोनों वैल्यूज नहीं पता तो मैं आगे काम नहीं कर सकता, मेरे लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा, ठीक है। अब मुझे पता है कि ये फोर्स ने मेरे साथ ये जो थीटा का एंगल बनाया, ये कोई ना कोई एंगल बनाया, एंड दैट थीटा इज नोन, फॉर एग्जांपल दिस इज लाइक 45 डिग्रीज, ठीक है। अब ये थीटा मुझे गिवन है, अब जो थीटा मेरे पास गिवन है उसके और हाइपोटेन्यूज के बीच में एंगल बन रहा होगा ना, या पर इसने यहाँ पर एंगल दिया होगा या पर उसने यहाँ पर एंगल दिया होगा कोई एक जगह पे। अब जहां पर उसने एंगल दिया हुआ है ये दो लाइन में, ठीक है, एक लाइन तो हाइपोटेन्यूज होगी, दूसरी लाइन हमेशा बेस होगी, ठीक है, एंगल वाली लाइन जो होती है वो बेस है, एंगल वाली एक लाइन हाइपोटेन्यूज है, दूसरी लाइन उसकी हमेशा की बेस होगी। अगर ये एंगल यहाँ की बजाय यहाँ होता, यहाँ पर उसने बताया होता कि दैट इज थीटा, ठीक है, अगर वो मुझे बता रहा है कि दैट इज थीटा तो ये इसकी फिर परपेंडिकुलर की बजाय ये बेस हो जाती एंड दैट वुड बी परपेंडिकुलर, ठीक है। जहां पर आपका एंगल दिया हुआ है उसमें से एक परपेंडिकुलर और एक आपका सॉरी एक हाइपोटेन्यूज और एक आपका बेस होगा, ठीक है, हमेशा इस तरह की एंगल जो भी बनेगा वो बनेगा, ठीक है। अभी मैं आपको ना इसमें करा के दिखा देता हूँ, ये इधर सॉरी नेक्स्ट इस वाली स्लाइड के ऊपर ना, मैं थोड़ा सा वाइट कलर में, ठीक है, अगर फॉर एग्जांपल मैं इसकी बात करता हूँ, ये मेरे पास एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस की बात करता हूँ, ट्रायंगल की बात करूं, ठीक है, अब मैंने थोड़ा सा ट्रायंगल उल्टा बना दिया, ठीक है, अब ये तो 90 डिग्री आपको सामने नजर आ रहा है बिकॉज़ दीज आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। अब मेरे पास एंगल है यहाँ का, ये थीटा आपको गिवन दे दिया, ये आपको अब देखिए 90 से करस्पॉन्ड ये वाली लाइन है,
ठीक है, ये वाली लाइन है, दिस इज हाइपोटेन्यूज। अब हाइपोटेन्यूज के साथ ही एंगल है, ये यहाँ पर होगा, ये यहाँ पर एंगल होगा, अब यहाँ पर एंगल है, ठीक है, दैट विल बी बेस एंड दिस इज परपेंडिकुलर, मतलब एंगल के साथ बेस जुड़ी हुई होगी, ठीक है, इज दैट क्लियर? ठीक है, अभी हमारे पास 7 मिनट पड़े हैं, और कोई क्वेश्चन अगर प्लीज स्पीक अगेन, वो जो आपने पहले बताया था, क्या किस बारे में बताया था, मैं तो बड़ा बता चुका हूँ, हेड टू टेल रूल एक दफा बता दे बच्चे, यूट्यूब पे वीडियो अपलोड हुई है इसकी, आप वो देख लें, लेक्चर नंबर 2 के नाम से होगा, रिटर्न होमवर्क आपका मुझे देखने दे, इसमें से कुछ मन रहा है, आई डोंट थिंक सो, इसमें कोई मन रहा, इसमें सिर्फ आपने क्या करना है कि एक अपनी तरफ से एक रेक्टेंगल अपना ट्राइंगल ले लें, दोनों सिनेरियोज आपने बना लेने, और उसको मतलब ये वाली आप एग्जांपल समझ लें कि आपने ये एज इट इज छाप देनी है बुक कॉपीज पे, लेकिन याद करके, ऐसे नहीं, अगर आपको फिर भी नहीं समझ आती यूट्यूब की वीडियो देख के ट्यूटोरियल जरूर की, तो मैं फिर से आपको दोबारा से बता सकता हूँ, मसला नहीं, लेकिन अभी टाइम का क्लास बहुत कम है मेरे पास, और जिसकी वजह से मैं फिर पिछले लेक्चर नहीं रिपीट करता। ओके, थैंक यू, अगर समझ आया आप लोगों को। अच्छा, एक बच्चे का क्वेश्चन रह गया, वो कह रही है कि किधर गया, कि वो जो पिछला कुछ समझा दे, मुझे नहीं सम पता कि वो हाउ कैन दी फाइंड द वैल्यू ऑफ थीटा, थीटा की वैल्यू बच्चे फाइंड करने का इजी तरीका यही है कि सबसे पहली बात तो यह है कि ये वाला थीटा गिवन होगा आपको, ये एंगल गिवन होगा 60 डिग्री, 40 डिग्री, 50 डिग्री, समथिंग कुछ दिया होगा उसको, ठीक है, तो हमें फाइंड करने की ज़रूरत नहीं, सिंपल सी बात है, लेकिन अगर हमें इस पॉइंट ए पे अगर हमने फाइंड करना है थीटा, ठीक है, तो उसके लिए भी फाइंड हो सकता है, लेकिन हम वो उसमें पढ़ेंगे नहीं, ठीक है, वो उसमें नहीं हम पढ़ेंगे, वो हम 10th क्लास है उसके अंदर हम इन डिटेल पढ़ेंगे, मैथ्स का लेक्चर है, मैथ्स का चैप्टर है, गालबन 7th है, मुझे सही याद नहीं है, वो मैथ्स का ही एक चैप्टर है, उसके अंदर हम बिल्कुल इन डिटेल हम पढ़ेंगे थीटा कैसे फाइंड करते हैं, लेकिन हमने इसके अंदर फाइंड नहीं करना, इसके अंदर हमें गिवन होगा पहले का। यही बड़ी खुशी होती है मेरे लिए कि आप लोगों को समझ आ रही है, अगर नहीं आ रही तो आप लोगों के सामने ये 5-5 दफा समझा रहा हूँ वापस दोबारा से, एंड आई होप के आप लोग इसका रिजल्ट भी देंगे जब क्लासेस वगैरह आपकी स्टार्ट होंगी। नेक्स्ट क्वेश्चंस प्लीज, हमारे पास 6 मिनट रह गए हैं इस मीटिंग के खत्म होने में, बच्चे आधे चले जाते हैं, ये क्या बात हुई? अगर यहाँ तक आपको क्लियर हो गया तो आपके लिए ये बाकी का चैप्टर बहुत इजी है, बाकी का चैप्टर कोई इशू नहीं है, ठीक है, असल में जो मुश्किल चीज़ थी वो यहाँ पर आज क्लियर हो जाएगी, यहाँ तक सारी चीज़ें मुश्किल थी, उसके आगे थोड़ा सा इजी हो जाएगा काम। ओके, सो फार नो क्वेश्चंस, अच्छा, इज इट कंपल्सरी टू फाइंड एफ एक्स एंड एफ वाई बाई 90 डिग्रीज और एनी एंगल? अच्छा, 90 डिग्री का होना लाजमी है, मीन्स के अब ये दो कंपोनेंट्स हैं इसके, इन दोनों कंपोनेंट्स के बीच में 90 डिग्री का एंगल होना लाजमी है, तब जाके हम एफ एक्स और एफ वाई फाइंड कर सकते हैं, क्योंकि हमें जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज है ना आपकी, वो सिर्फ और सिर्फ लगती 90 डिग्री एंगल के ट्राइंगल के ऊपर, अगर 90 राइट एंगल ट्राइंगल है तो उसके ऊपर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज अप्लाई होंगी, अदरवाइज उसके ऊपर अप्लाई नहीं होंगे, ठीक है, क्योंकि हमें उसका एक एंगल पता है, दूसरा एंगल भी हमें गिवन होता है, क्योंकि एक्स एक्सिस के साथ या वाई एक्सिस के साथ जितना भी एंगल बनाता है, फॉर एग्जांपल यहाँ पर उसने शो किया हुआ है कि वी हैव अ फोर्स रिप्रेजेंटेड बाय लाइन OA मेकिंग एन एंगल थीटा विद एक्सिस, थीटा इज समथिंग दैट वुड बी गिवन इन द क्वेश्चन, ठीक है, क्वेश्चन के अंदर आपको गिवन होगी। बच्चे होमवर्क आपका मतलब यही है, ये जो मैंने आपको एग्जांपल कराई है आपने रफ कॉपी कर लेना बस, दैट्स इट, 5 मिनट का काम भी नहीं। अच्छा, तो ये 90 डिग्री का एंगल यहाँ पर
बनाना लाजमी है, तब जाके ये एफ वाई और एफ एक्स की हम सेपरेट सेपरेट वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। अदरवाइज अगर इनके बीच में 90 डिग्री एंगल नहीं होता तो मुझे फिर सेपरेटली एफ वाई की वैल्यू फाइंड करनी पड़ती, एफ एक्स की वैल्यू फाइंड करनी पड़ती, तो वहां पर साइन ऑफ थीटा और कॉस ऑफ थीटा हमें काम ना देता, वहां पर एफ एक्स साइन थीटा की वैल्यू हमें गलत आंसर देता। ठीक है, तो इसीलिए यहाँ पर एफ एक्स और एफ वाई के बीच में 90 डिग्री का एंगल होना लाजमी है, दैट इज क्रूशियल। ठीक है, और एंगल नहीं इस्तेमाल हो सकता सिर्फ 90 डिग्री। उम्र का आपका यही क्वेश्चन, ये एग्जांपल है, ये वाली जो एग्जांपल मैंने आपको कराई है, एग्जांपल तो नहीं है, खैर ये बेसिकली वो है, डेरिवेशन है। एफ एफ एक्स की वैल्यू और एफ एफ वाई की वैल्यू आपने, मतलब 4.3 एंड 4.4 ये क्वेश्चंस आपने डिराइव कर लिए, दैट्स इट, और कोई क्वेश्चन नहीं है। ये वाली जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज है, साइन ऑफ थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज, बी सी और ए बी आप छोड़ दें, सिर्फ आपने ये लिखनी है साइन ऑफ थीटा इज व्हाट, परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज, कॉस थीटा इज बेस ओवर हाइपोटेन्यूज, एंड सो ऑन सो फोर्थ। तो ये आपने एक दफा लिख लेना है, फिर उसके बाद आपने ये डिराइव कर लेना विद दिस डायग्राम। सिर्फ ये आपके दो स्लाइड हैं होमवर्क आपका, साइन कॉस टेन और साथ में ये वाली स्लाइड। ठीक है, क्योंकि वो बाकी सारा उसी के अंदर हो जाएगा। जी बच्चा, इसके अंदर हम हेड टू टेल रूल यूज ही नहीं कर रहे, इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ हम एक ही फोर्स को, ये इस वाली फोर्स को हम दो हिस्सों में तोड़ रहे हैं या तकसीम कर रहे हैं या डिवाइड कर रहे हैं, जो भी आप उसको कह लें। ठीक है, एक ये कंपोनेंट है एफ वाई, एक एफ एक्स कंपोनेंट है, इसमें हेड टू टेल रूल नहीं लगा रहे हम, इसके सिर्फ हम कंपोनेंट्स हम इसको तोड़ रहे हैं। ठीक है, हेड टू टेल रूल मैंने वैसे ही आपको बताया जिस तरह हेड टू टेल रूल हम लगाते हैं, बेसिकली वैसे ही काम है, लेकिन इसके ऊपर हेड टू टेल रूल हम नहीं लगाते। एफ एफ एक्स और एफ एफ वाई की कोई डायरेक्शन वगैरह इसीलिए नहीं है। अब देखें, एफ एफ एक्स की वैल्यू जीरो से लेके बी तक है, क्यों? क्योंकि इसकी फोर्स की डायरेक्शन भी ए की तरफ है, दैट इज वाई दीज एरोज़ आर देयर, इतनी इसके अंदर कोई और नहीं। सर हमेशा एफ ही हाइपोटेन्यूज होगा? नहीं, हर दफा हाइपोटेन्यूज नहीं होगा। फॉर एग्जांपल, अगर मेरे पास फोर्स इस डायरेक्शन में है, अगर ये मुझे नजर ही नहीं आ रही, एक इस तरह अगर फोर्स मेरे पास बिल्कुल परपेंडिकुलर है ऐसे, ये मतलब हाँ परपेंडिकुलर है, ये जिसको कहते हैं हॉरिजॉन्टल है, ठीक है, तो इसका वाई कंपोनेंट कोई नहीं है, इसका सिर्फ एक्स कंपोनेंट होगा। ठीक है, ये थोड़ी सी एडवांस है तो इसको हम नहीं पढ़ेंगे। ठीक है, तो बेसिकली हम सिर्फ किसी एक एंगल के ऊपर जो फोर्स होगी हम उसको सिर्फ रिजॉल्व कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, इस एंगल पे है, इस एंगल पे है, या बिल्कुल ऑलमोस्ट 90 के पास है, तो इन सब के सब एक ये होगा, एक ये होगा, इसका भी एक यहाँ पर होगा और एक यहाँ पर होगा, इसी तरह इसका भी यहाँ पर होगा एक और एक यहाँ पर होगा। ठीक है, तो जो बिल्कुल स्ट्रेट फोर्सेस हैं या बिल्कुल स्टैंड अप फोर्सेस हैं उनका कोई मतलब कंपोनेंट नहीं होगा, बाकी सबका होगा। हाँ, रजिस्टर पर बना लो, बेस फॉर अ पिक्चर हैंगिंग ऑन अ वॉल विल बी द वॉल, क्या मतलब? मुझे क्वेश्चन की नहीं समझ है। द बेस फॉर अ पिक्चर हैंगिंग ऑन अ वॉल विल बी द वॉल, देन हाउ कैन वी डिफाइन बेस? मुझे ट्रायंगल बनना लाजमी है। एक मिनट रह गया, खत्म होगी काम हमारा, क्लास भी खत्म होगी। हमेशा एफ ही हाइपोटेन्यूज होगा ऑलमोस्ट, अगर वो एंगल पे है। ठीक है, हमारी अभी तो क्लास का टाइम खत्म हो गया, अगर नेक्स्ट क्वेश्चन मैं समझाने लगूंगा तो पता मुझे एक क्लास। तो होमवर्क यही डेरिवेशन आपने करनी है।